मामला दर्ज किया हैगा, की हैगा सारा मामला जी? जी आपां कल लेट नाइट इनफॉर्मेशन मिली सी जिहदे बाद आपां 28 नंबर मुकदमा पुलिस स्टेशन तारागढ़ च दर्ज किया माइनिंग एक्ट के अंडर ते 379 के अंडर। एक जिहड़ी कल इनफॉर्मेशन मिली सी इहदे च जिहड़ी इनफॉर्मेशन आई उहदे च इह सी कि वी जिहड़े कुछ बंदे आ इह जिहड़ा पिंड रायपुर राजपूत है जिहड़ा कि अपना बहरामपुर की थाने की हद के नाल लगता तारागढ़ का पिंड है रावी के उपर उत्थे कुछ अनपछाते बंदे है वो माइनिंग कर रहे हैं। तो साढ़े जिहड़े SHO साहब उन्होंने बड़ा स्विफ्टली एक्ट करते हुए अपनी टीम नाल मौके पर उत्थे पहुँचे। मौके पर उन्होंने जिहड़ियां 3 ट्रालियां एक JCB जिहड़ी है वो राउंड अप कर ली, नाल ही एक जिहड़ा QC सुरेंद्र उन्होंने भी मौके पर ही फड़ लिया उन्होंने। तो वो फिर सारा मगरों वेरीफिकेशन की तो वो बाद फिर आप दो होर जिहड़े बंदे बाय नेम नामजद किए तो एक बंदा अननोन इच नामजद किया तो इस तफ्तीश चल रही है। सर किन्ने के दिनों तो यह माइनिंग कर रहे थे कोई पता लगा? जी इन इनवैसटीगेट कर रहे हैं आप, रावी के लागे से एरिया तो वैसे तो साडे एरिए आप बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट कर रहे हैं, किसी अलाउ नहीं कर रहे इलीगल माइनिंग लिए। पर जी इनफॉर्मेशन से भी कुछ पिंड के जोड़े लोग है वो लागे के वो कई ला के जी ट्रालियाँ भर के वह लै जाते हैं, तो इसलिए मे भी ये गल पुलिस के ध्यान से फिर नहीं आई। तो इसलिए हूँ जो आप इनफॉर्मेशन मिली तो वो बाद स्विफ्टली एक्ट करते हुए इन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई की।